पर्यटन के मामले में, चाहे वो धार्मिक पर्यटन हो, वन्य पर्यटन हो, बड़े बड़े जलाशय हो, लगातार हमारा प्रयास है कि हिंदुस्तान का दिल कहलाने वाले मध्य प्रदेश में न केवल भारत के पर्यटक बल्कि पूरे विश्व से पर्यटक मध्य प्रदेश में आए। और मध्य प्रदेश आज पर्यटन के मामले में छठवें स्थान पर है। हमारा प्रयास होगा कि आने वाले सालों में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पर्यटन और संस्कृति दोनों ही नंबर एक पर पहुंचाने का काम हम लोग करेंगे। जैसा कि मैंने कहा कि पर्यटन के साथ साथ जब टूरिस्ट हमारे मध्य प्रदेश में आते हैं तो पूरी तरह से हमें अर्थव्यवस्था का भी लाभ मिलता है। मध्य प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है और यहाँ के हमारे नागरिकों को रोजगार भी प्राप्त होता है। लगातार अर्थव्यवस्था का बढ़ना और इस विभाग ने, पर्यटन विभाग ने टर्नओवर में भी बढ़ोतरी की है और पिछले 5 सालों में कई गुना टर्नओवर बढ़ाया है। और इसके साथ साथ अगले 3 सालों में हमारा प्रयास होगा कि हम लोग आज जो टर्नओवर है उसको 3 गुना करने का प्रयास करेंगे। मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि भारत सरकार द्वारा मध्य प्रदेश पर्यटन को 3 राष्ट्रीय पुरस्कार हमें प्राप्त हुए हैं और वो हमारे मध्य प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ी प्रेस्टीज की बात है। चाहे वो सर्वश्रेष्ठ राज्य मध्य प्रदेश का अवार्ड हो, चाहे बेस्ट सिविक मैनेजमेंट पचमढ़ी, या फिर सर्वश्रेष्ठ पर्यटन फिल्म से सम्मानित किया गया अवार्ड हो, सीएनबीसी आवास ट्रेवल अवार्ड, बेस्ट मैनेज्ड डेस्टिनेशन मध्य प्रदेश व बेस्ट ट्रेवल स्टेट मध्य प्रदेश का भी अवार्ड हमें मिला है। जहां तक प्रदेश में जो टूरिस्ट हमारे यहाँ आए हैं, लगभग 6 करोड़ 34 लाख देशी और विदेशी पर्यटनों को आवागमन हुआ है। एक समय था 2006 में जब हमारे यहाँ पर्यटकों की संख्या लगभग 1 करोड़ हुआ करती थी, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व और हम सब लोगों के प्रयत्नों से ये संभव हो सका कि लोगों ने मध्य प्रदेश में रुचि दिखाई। मध्य प्रदेश के जो ऐतिहासिक स्थान है, पुरातात्विक स्थान है, उनको देखने में उन्होंने रुचि दिखाई और ये संख्या बढ़ी। अगर पिछले वर्ष की में तुलना में मैं बात करूं तो 18.5% की वृद्धि यहां पर हुई है। जैसा मैंने पहले भी कहा कि मध्य प्रदेश पर्यटन के मामले में पूरे देश में इसका 6ठा स्थान है। हम लोगों ने इंदौर में आधुनिक क्रूज की तथा भोपाल में वाटर पैरासेलिंग की सुविधा की शुरुआत की है, जो कि अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। माननीय मुख्यमंत्री जी का नेतृत्व हमें प्राप्त है। इसी के साथ साथ इंदिरा सागर में क्रूज तथा हाउस बोट की शुरुआत भी हम लोग कर रहे हैं। जैसा कि आपको सबको मालूम है, नेशनल पार्क में हम लोगों ने 6 नई बसें संचालित की है। प्रदेश में 17 रूट पीपीपी के माध्यम से लग्जरी बसों का संचालन हम लोगों ने किया है। मैं आप लोगों के माध्यम से यह भी कहना चाहूंगा कि आज भारत सरकार के द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को और मदन मोहन जी को भारत रत्न मिला है, उसके द्वारा, आपके द्वारा मध्य प्रदेश की जनता को और देश की जनता को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, शुभकामनाएं देना चाहता हूं।
हम लोगों ने प्रयास किया और पर्यटन नीति में संशोधन करने का काम भी हम लोगों ने किया, जहां पर पहले विलासिता कर 2000 रुपए के ऊपर लगता था, अब उसको बढ़ाकर हम लोगों ने 3000 रुपए कर दिया है। और प्रयास रहा है कि मध्य प्रदेश में हम लोग जो होटल बिजनेस के बिजनेसमैन है उनको अट्रैक्ट करने के लिए सब्सिडी देने का काम किया है, कन्वेंशन सेंटर के लिए नई पॉलिसी लागू की है और लगभग 16 क्षेत्रों में विशेष पर्यटन घोषित करने का काम हम लोगों ने किया है। मध्य प्रदेश में सबसे पहले अगर टैक्सी सर्विसेज की शुरुआत हुई है तो मध्य प्रदेश में हुई है, उस नीति में भी हम लोगों ने संशोधन किया है और हमारा प्रयास है कि आने वाले समय में उस टैक्सी सर्विसेज का फायदा टूरिस्ट को मिलेगा। पिछले 3 साल में लगभग 20,000 यात्रियों ने उस सेवा का लाभ लिया है। आने वाले समय में मुझे ऐसा लगता है कि इससे टूरिज्म को और बढ़ावा मिलेगा।